भोपाल के मंत्रालय भवन में दरअसल 2.5 घंटे से आग लगी हुई है। आग में 5 लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई गई है। खबर ऐसी सामने आ रही है कि 5 लोग आग में फंसे हो सकते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है, आग बुझाने का हर संभव प्रयास यहां पर करते हुए फायर कर्मियों को आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें भोपाल से सामने आई है, जहां मंत्रालय भवन में भीषण आग लगी हुई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वल्लभ भवन में, जहां 4थी मंजिल पर आग लगी हुई है। यहां पर दमकल कर्मियों को आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पिछले 2.5 घंटे से ये बिल्डिंग जो है वो धू-धू कर जल रही है और आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। और देखिये, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन में भीषण आग लग गई है। आग 4थे फ्लोर पर लगी थी। हवा की वजह से आग कई फ्लोर तक फैल गई है। वल्लभ भवन में कई मंत्रालयों का ऑफिस भी है, मंत्रालयों के दस्तावेज भी यहीं रखे जाते हैं। आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। आग पर काबू पाने का काम में अब भी जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक आग में कई लोग फंसे हुए हैं, राहत और बचाव कार्य लेकिन अब भी जारी है। हम आपको 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार भोपाल में आग का तांडव किस तरीके से रहा है। देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये वो बिल्डिंग है जहां पर खुद मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, मंत्रालय भवन इसे कहा जाता है। और देखिए, आग का जिस तरीके से तांडव है या फिर जिस तरीके से आग फैली, वो तस्वीरें 4 चीजों में हम आपको दिखा रहे हैं। और उस बीच आपको बता देते हैं, वल्लभ भवन जहां पर आग की तस्वीरें अब तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, आग बुझाने की कोशिशें जारी है। खबर ये सामने आ रही है कि 4 राज्य मंत्रियों के दफ्तर यहाँ पर है। इसी इमारत में सीएम ऑफिस के कुछ अधिकारियों के भी दफ्तर मौजूद है। सीएम दफ्तर के बगल वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई है। जिस फ्लोर पर लगी है आग, वहां पहले सीएम ऑफिस भी हुआ करता था। तो बहुत महत्वपूर्ण ये इमारत है जहां पर आग लगी है। कई अहम दस्तावेज यहां पर रखे हुए हैं और ऐसे में आग बुझाने की कोशिश करते हुए दमकल कर्मियों को आप देख सकते हैं। 4थी मंजिल पर आग लगी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ लोगों के फंसे होने की खबर भी लगातार सामने आ रही है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शुभम, इस वक्त हालात किस तरीके के, सबसे पहले जो मौजूदा अपडेट है वो दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल प्रतिमा, तकरीबन 2 घंटे का समय हो गया है और अब भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल की तकरीबन 15 से 20 गाड़ियां यहाँ पर आ चुकी है, लगातार कोशिश हो रही है और अभी भी आप देखें तो धुएं का गुबार यहाँ पर नजर आ रहा है और लगातार कोशिश जारी है। जो 5 लोगों का जिक्र अभी आपने किया कि फंसे हुए हैं, दरअसल जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उन्हें सुबह 9:30 बजे पहला कॉल आया एक कर्मचारी का, जिसने कहा कि हम 5वें फ्लोर पर हैं, आग लगी हुई है, धुएं का गुबार है। और उसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम्स पहुँची, भोपाल की मेयर, DGP, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इसी चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिरकार इस आग पर काबू पाया जा सके। दरअसल ये पाँचवें फ्लोर पर या कहें इस वल्लभ भवन के टॉप फ्लोर पर सुमित आग लगी है और यहाँ पर पहले सीएम ऑफिस भी हुआ करता था, सीएम भी यहाँ पर बैठते थे। अभी जब नई बिल्डिंग बनी है तो इसी के पास वाली बिल्डिंग में सीएम बैठते हैं, मगर सीएम राहत कोष इसी फ्लोर से चलता है। 4 राज्य मंत्रियों के दफ्तर यहाँ पर हैं, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज फाइल्स जो हैं वो इसी फ्लोर पर रखी हुई है। चूंकि ये मंत्रालय है, सचिवालय है, सरकार यहीं से चलती है या कहें मध्य प्रदेश पूरा यहीं से चलता है और यहाँ पर अगर किसी भी फ्लोर पर आग लगेगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का नुकसान होगा ही होगा। एक और महत्वपूर्ण हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो पिछले वर्ष की है और इसे दिखाना भी सुमित बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपने तस्वीर देखी वल्लभ भवन की जहाँ पर अभी आग लगी हुई है और जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये सतपुड़ा भवन है। ये इमारत अब किसी काम की नहीं रही है। जो खर्चा है वो 200-250 करोड़ रुपए का बताया गया है, क्योंकि अब ये इमारत फिर से नहीं बनेगी। यहाँ पर भी 4थे फ्लोर पर आग लगी थी, शाम का 5 बजे का समय था, धीरे धीरे आग बढ़ी और सुबह के 5 बज गए तब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। जनहानि नहीं हुई थी मगर ये पूरी की पूरी इमारत अब किसी काम की नहीं रही है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए थे। तो सबक क्या लिया, इस बिल्डिंग को दिखाने का मकसद यही था कि आखिरकार एक वर्ष के बाद क्या सबक लिया गया। 1 महीने पहले इसी मंत्रालय में, इसी वल्लभ भवन में एक मॉकड्रिल की गई थी
और मॉकड्रिल इस बात की कि आखिरकार बिल्कुल बिल्कुल देखिए शुभम गुप्ता हमारे साथ बने हुए और शुभम हमें बता रहे हैं कि देखिए कितना महत्वपूर्ण मंत्रालय है, पूरी सरकार यहां से चलती है, सचिवालय एक तरीके का, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसी के पास के एक बिल्डिंग में एक साल पहले आग लगी थी लेकिन सबक अभी भी नहीं सीखा। और आइए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर पिछले साल 12 जून की है जब सतपुड़ा भवन में ये आग लगी थी, 30 से ज्यादा एसी ब्लास्ट हुए थे जिसके चलते भीषण आग लग गई थी। दूसरी तस्वीर आज की है जहां मंत्रालय भवन की तीसरी और चौथी मंजिल पर भीषण आग लगी, और ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा इलाका कितना ज्यादा संवेदनशील है। जो मुख्य जो मंत्रालय है या फिर आप कह सकते हैं विभाग है वो इसी इलाके में आते हैं, और आज जहां पर आग लगी है यानी आज जहां मंत्रालय भवन में आग लगी है वो इलाका है जिसे सचिवालय कहा जाता है। उस बिल्डिंग में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय है, सीएम भी यहां बैठते थे, पांचवी मंजिल पे, चौथी मंजिल पर आग लगी और लगातार आग पर काबू पाने का काम अब भी चल रहा है। तो एक साल से भी कम समय के अंदर दो बड़े अग्निकांड यहां पर हुए लेकिन सबक कोई नहीं लिया गया। इस बीच बता दें घटना के बाद सीएम मोहन यादव ने निर्देश जरूर दिए हैं, ध्यान रखिए आगे ऐसी कोई घटना ना हो, ये राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कहा गया है। महत्वपूर्ण फाइलों का ध्यान रखें ये भी मोहन यादव की तरफ से कहा गया है इस पूरे घटनाक्रम। तीसरे माले पे आग लगी है, कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सी एस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और जब मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए, और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज में जाए इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मिल जाएगा। और आप सूबे के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि निर्देश दे दिए गए हैं इस पर एहतियात बरतने के लिए और निर्देश भी दिए गए हैं कि इस फाइल और दूसरी साजो सामान को सुरक्षित रखा जाए। इस बीच इस घटना को लेकर भोपाल मेयर ने भी क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे ही पता चला वैसे ही हम लोगों ने नगर निगम ने अमले को भेजकर और आग पर कंट्रोल करवाने की व्यवस्था। कोई लोग फंसे हुए अभी जो जानकारी मिल रही है कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष की 5 लोग फंसे हुए हैं वो निकलवा रहे हैं, अधिकारी लोग हैं और उस पर कंट्रोल करवा रहे हैं। ये बार बार आग क्यों लग रही है, पहले विंध्याचल भवन अब वल्लभ भवन पता करना पड़ेगा। केमिकल एयरपोर्ट से मंगाया गया, कौन सा केमिकल है जो एयरपोर्ट से मंगानी पड़ी जानकारी ले लूं, मैं पता कर लूं, पहले पूरी जानकारी ले लूं।